वृत्ति चाहिए, अत्यंत सूक्ष्म साधना चाहिए, अत्यंत सूक्ष्म भजन चाहिए, अत्यंत सूक्ष्म अभ्यास चाहिए, अत्यंत सूक्ष्म आराधना उपासना चाहिए। आप जो चाहते हैं एक दिन भूखे रह जाएंगे और इसी से मिल जाएंगे, असंभव है। एक बार के दर्शन मंदिर में जाकर कर लेंगे और काम बन जाएगा, असंभव है। एक बार की तीर्थ यात्रा से काम बन जाएगा, असंभव है। एक बार के यज्ञ से काम बन जाएगा, असंभव है। बाहर जा जाकर बाहर की आराधना उपासना कर कर के उनका दर्शन असंभव है, असंभव है। साफ साफ बतला दिया, योगिभिर ध्यान गम्यम, योगियों के लिए ध्यान में जानने के योग्य। ध्येय चिंत्यायाम एक धातु है, जिस धातु में ल्युट प्रत्यय लगाने से ध्यान शब्द सिद्ध होता है, जिसका अर्थ होता है मन की पूरी एकाग्रता। जब मन की चंचलता खत्म हो जाएगी, वृत्ति का फैलाव खत्म हो जाएगा, समग्र चाहनाओं का अंत हो जाएगा, समस्त वासनाओं का अंत हो जाएगा, वृत्ति इतनी सूक्ष्म हो जाएगी कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी, एक ही एक में टिक करके रहेगी। ऐसी साधना से, ऐसी एकाग्रता से उस सूक्ष्मतम पदार्थ की प्राप्ति संभव है। वृत्ति का ऐसा सूक्ष्म होना, दृष्टि का ऐसा सूक्ष्म बनना एकमात्र ध्यान के द्वारा ही संभव है, अन्य क्रियाओं के द्वारा संभव नहीं। जिमी दूध के मथन से निकसत है घीव जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। दूध के रग रग में घृत समाया हुआ होता है लेकिन दिखलाई नहीं देता है, छूने से भी पता नहीं चलता है। जब मंथन की क्रिया होती है तब धीरे धीरे दुग्ध में मिश्रित जो घृत है वह उसी तरह से सृष्टि के कण कण में परमात्मा परिव्याप्त हैं, दिखलाई नहीं देते हैं। अंतर ध्यान के द्वारा जब अंदर में मंथन होता है तब परमात्मा रूपी घृत प्रत्यक्ष होते हैं, दूसरा कोई साधन नहीं है। दूसरे श्लोक में भी कहते हैं, यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मर्तः स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवैर वेदः सांग पदक्रमोपनिषदैर गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो। ध्यान में अवस्थित होकर योगी लोग उनको देखते हैं, इतनी एकाग्रता बनती है ध्यान में, इतनी एकाग्रता बनती है कि जिनको देखना चाहते हैं उनके अलावा उनकी वृत्ति में दूसरा कुछ रह ही नहीं जाता है, इतनी एकाग्रता बन जाती है। एकमात्र यही साधन है, ध्यान में अवस्थित होकर योगी लोग उनको देखते हैं। यहाँ जगह जगह वेदांत की पढ़ाई होती है, वेदांत पर भाषण होता है, वेदांत सुनाया जाता है, लेकिन सुनने वाला वेदांत पढ़कर केवल पुस्तक में ही रह जाता है। वेदांत का ज्ञान आचरण तक पहुंचते पहुंचते जीरो हो जाता है, और ध्यान से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वह समस्त वेदांत को प्राप्त करा देने वाला होता है।
बहुत संत ऐसे हुए मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, कागज का दर्शन नहीं किया, कलम का दर्शन नहीं किया, पाठशाला का दर्शन नहीं किया, जीवन में एक अक्षर पढ़ने के लिए कहीं नहीं गए और उनके मुंह से वेदांत निकलता था, सारे शास्त्रों का सार निकलता था। वेदांत कहते उपनिषद ग्रंथ को। वेदांत का तो मूल अर्थ होता है ज्ञान का अंत, वेद का अर्थ ज्ञान, अंत समाप्ति को कहते हैं, जहां जाकर के ज्ञान की समाप्ति हो जाती है, ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा परमात्मा दर्शन में, परमात्मा का दर्शन हो गया, ज्ञान की पराकाष्ठा हो गई, कुछ ज्ञान पाने के लिए बाकी नहीं रह गया। बाकी पुस्तकों को पढ़ते रहें, पुस्तकों को पढ़ते रहें, सारे उपनिषदों को याद कर लें, फिर भी पाने के लिए बहुत कुछ बाकी रहेगा। परमात्मा दर्शन हो जाने के बाद कुछ बाकी नहीं रहता है। परमात्मा का दर्शन जिन्होंने कर लिया वही सच्चा वेदांती है, उन्हीं को वेदांत का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यहाँ जगह जगह होता ही रहता है, मैं भी सुनता ही रहता हूँ। एक उपनिषद का नाम है श्वेतासुतर उपनिषद, उसमें लिखा हुआ है स्वदेह मरणिं कृत्वा, नीचे की अरणी बनाओ। अरणी कहते हैं अग्नि को प्रकट करा देने वाली लकड़ी को, अरणी मंथन काष्ठ, वह लकड़ी जिसके घर्षण से अग्नि पैदा हो। तो दो लकड़ियों को एक ही जगह पर घिसते रहते हैं तो गर्म होते होते वहाँ से चिंगारी निकलती है, फिर उसी से अग्नि को प्रकट किया जाता है। विष्णु महायज्ञ में और भी बहुत सारे यज्ञों में अरणि मंथन काष्ठ के द्वारा अग्नि को प्रकट किया जाता है। परमात्मा रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए कौन सा काष्ठ चाहिए? दो काष्ठ चाहिए। कहते हैं स्वदेह मरणिं कृत्वा, अपनी देह को नीचे की अरणी बनाओ और प्रणव को ओंकार को ऊपर की अरणी बनाओ। अपनी देह के विषय में पूछता हूं तो बहुतों को पता ही नहीं चलता है। लोग कह देते हैं अपनी देह क्या हो, यही जो देख रहे हो यही अपनी देह, यही है अपनी देह। यह अपनी देह नहीं, या तो 50 साल के बाद, 60 साल के बाद, 100 साल के बाद कहाँ जाएगी पता नहीं, सियार काग गिद्ध खई हैं, चिता पर जल करके स्वाहा हो जाएंगी। यह अपनी देह कहाँ है, इसे तो छोड़ करके जाना है, यह तो छूट जाएगी एक दिन। जो देह सदैव आत्मा के साथ रहती है वह अपनी देह है, उसी को चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, उसको चिदानंदमय देह कहते हैं। उस देह का महाप्रलय में भी अंत नहीं होता है, वही हमारी देह। उस देह में जिस दिन आप पहुंच जाएंगे, अपने को पहुंचा देंगे, मरने का जन्मने का सारा दुख खत्म। मास्क लगा करके रखते हैं, दो गज की दूरी बना करके रखते हैं, सैनिटाइजर से शरीर को हर समय साफ सुथरा करके रखते हैं। कितना भी ये सब करके रखेंगे कब तक इस शरीर को रख पाएंगे? एक न एक दिन इसको जाना है। शरीर बचाए बच नहीं सकता, शरीर में रहने वाला मिटाए मिट नहीं सकता। शरीर में रहने वाले को कोई भी वायरस मिटा नहीं सकता। शरीर में रहने वाले को जो नहीं जानता है उसी को
हर बात में मरने का भय, हर बात से मरने का भय, जिन्होंने अपने को देख लिया, अपने को जान लिया, अपने को पहचान लिया, हम तो ऐसे हैं कि सारी दुनिया के वायरस एक साथ संक्रमित हो जाए फिर भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। नैनंग छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनंग दहति पावकः, न चैनंग क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मार्तः, न जायते मृत्या वा कदाचित नायं भूता भविता वान भूय। हमारा तो कभी जन्म होता ही नहीं, हम तो कभी मरते ही नहीं। ये मरने वाली देह में जो हम आसक्त हो गए हैं, इसी को अपना समझ लिए हैं, इसीलिए जन्म में मरने का भय लगा हुआ है। इस देश के वासियों को अध्यात्म ज्ञान के द्वारा आत्मा का ज्ञान करा दिया जाए, वैक्सीन होगा जिस वैक्सीन के द्वारा समस्त वायरसों का एक साथ सर्वनाश हो जाएगा। जब तक ऐसा नहीं होगा, अभी कोरोना का संक्रमण है, फिर डेंगू भी तैयार ही रहता है, चिकनगुनिया भी आगे पीछे ही घूमता है, मलेरिया का भी आक्रमण होता ही रहता है, इसी तरह से अनेकों रोग हैं, अनेकों व्याधियां हैं, इनसे सब दिन घिरे ही रहेंगे, इसका कभी अंत नहीं होगा। हम नित्य हैं, हम शाश्वत हैं, चिदानंदमय देह तुम्हारी, हमारी देह तो शाश्वत है, हम शाश्वत देह में रहने वाले हैं। हमारा शरीर ऐसा है जो सदैव आनंदमय रहता है, हमारा शरीर ऐसा है जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। हम तो ऐसे घर में रहने वाले हैं, ऐसे शरीर में रहने वाले हैं जहाँ ना काल की पहुँच है, जहाँ ना मौत की पहुँच है। जब ये ही नहीं पहुँच सकते तो कोरोना कहाँ से पहुँच जाएगा, सबका इलाज हो गया। चिदानंदमय देह तुम्हारी, यह चिदानंदमय शरीर को नीचे की अरणी बनाओ। प्रणव चौथ को, ओंकार को, जिस ध्वनि से, जिस शब्द से परमात्मा ने सारी सृष्टि को प्रकट किया है, तस्य वाचकः प्रणवः, उसी प्रणव से सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। अकारः पीतवर्ण स्यात् रजोगुण उदीरितः, उकारः सात्विकः शुक्लो, मकार है कृष्ण तामसः। ध्यान बिंदु उपनिषद में ओंकार की व्याख्या हुई है। ओम शब्द में तीन अक्षर हैं, अ उ और म। अकारः पीतवर्ण स्यात् रजोगुण उदीरितः, अकार रजोगुण पीतवर्ण, उससे सृष्टि होती है। उकार शुक्ल वर्ण सत्वगुण, उससे सृष्टि का पालन होता है। और मकार कृष्ण वर्ण तमस प्रधान, सृष्टि का नाश होता है। रजोगुणात्मक शक्ति, तमोगुणात्मक शक्ति और सत्वगुणात्मक शक्ति, इन तीनों शक्तियों का सम्मिश्रण रूप ओंकार है। और इसी ओंकार से परमात्मा ने सब कुछ किया है। परमात्मा को क्या करना है? परमात्मा
से जो शब्द प्रस्फुटित हुआ है एको हम बहुत श्यामा, उस एक शब्द में, परमात्मा के एक शब्द में इतनी ताकत है कि एक ही क्षण में सारी सृष्टि का सर्जन, एक ही क्षण में सारी सृष्टि का पालन, एक ही क्षण में सारी सृष्टि का विनाश करता है। ऐसा वह शब्द है, आदि ध्वनि आदि शब्द जो परमात्मा से प्रस्फुटित हुआ है, वही प्रणव है, वही स्फोट है, वही उद्गीत है, वही ओम है, वही सतनाम है, वही सत्य शब्द है, वही सार शब्द है। कहते हैं उस परमात्मा से प्रस्फुटित ध्वनि को ऊपर की अरणी बनाओ, चिदानंद में देह को नीचे की अरणी बनाओ, और उस ओंकार ध्वनि की साधना रूपी मंथन के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि को प्रकट करो। अर्थात उस ध्वनि की साधना जो करते हैं, उस ध्वनि का जो ध्यान करते हैं, अपनी देह में पहुंचकर ध्यान की साधना के द्वारा स्थूल देह से चेतना को ऊर्ध्वगत करके, सूक्ष्म देह से चेतना को ऊर्ध्वगत करके, कारण देह से चेतना को ऊर्ध्वगत करके, महाकारण देह से चेतना को ऊर्ध्वगत करके, कैवल्य देह में, चिदानंदमय देह में पहुंचकर प्रणव की साधना के द्वारा परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण होता है। ध्यान के द्वारा ही यह संभव है। ऐसा ध्यान यदि हो जाए तो शाश्वत सुख जो हम चाहते हैं, शाश्वत शांति जो चाहते हैं, जिसकी प्राप्ति से, जिसके दर्शन से संभव है, वह संभव हो जाएगा। ऐसा ध्यान बनेगा कैसे? जैसा हम सुनेंगे, जैसे के विषय में हम सुनेंगे, वैसा ही बनेंगे। परमात्मा का दर्शन कर परमात्मा ही बन जाना चाहते हैं तो परमात्मा के ही विषय में दिन रात सुनना पड़ेगा। सुनते रहेंगे दिन रात इधर उधर की बात, बन जाएंगे परमात्मा, यह संभव नहीं है। सुनेंगे संसार के लोगों की बात, संसार की बात, ध्यान में परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, कभी संभव नहीं। जैसा सुनेंगे, जिस विषय को सुनेंगे, जैसे का सुनेंगे, वैसा ही बनेंगे। सुबह की कथा जो होती है वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम से संबंधित, और अपराह्न काल की कथा जो हो रही है भगवान कृष्ण से संबंधित। आपको लगेगा यह महात्मा तो बड़ा भारी द्वैतवादी निकला, सुबह कुछ शाम कुछ, इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं। हम द्वैतवादी नहीं हैं, हम समाज को दो भागों में विभक्त करने के लिए नहीं आए हैं, हम समाज को दो से एक करने के लिए आए हैं। अद्वैत से द्वैत में पहुंचाने के लिए नहीं आए हैं, द्वैत से अद्वैत में पहुंचाने के लिए आए हैं। राम और कृष्ण अलग अलग हैं या किसके ज्ञान में है? जिनकी बुद्धि अलग अलग है, जिसका विचार अलग अलग है, जिसकी बुद्धि में भेद है, उसकी दृष्टि में सब अलग है। ईश्वर एक है, अनेक नहीं।
उस एक ईश्वर का नाम संतों ने रखा है। ईश्वर का कोई नाम नहीं होता, वे नाम रूप से परे हैं। उनका नाम तो संतों ने उनकी गुणवत्ता के आधार पर रखा है। रमन्ते योगिनः यस्मिन् इति रामः, जो योगियों के हृदय में सदैव रमन करते रहते हैं उसी को राम कहते हैं, अथवा योगी लोग जिसमें सदैव रमन करते हैं उसी को राम कहते हैं। रमन करने वाले को राम कहते हैं, जो सृष्टि के कण कण में रमन कर रहे हैं वे राम हैं, उसको राम कहते हैं। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सब घट घट बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। क्या चार राम हो गए? जो राम दशरथ घर डोले, वही राम सब घट घट बोले, उसी राम का सकल पसारा, उन्होंने सब कुछ किया है, और वही राम सबसे परे भी है, सबसे न्यारा। वे ही कृष्ण हैं, सब में रमन कर रहे हैं, इसीलिए योगियों ने ऋषियों ने उनको राम कहा। और सबसे ज्यादा जिनमें आकर्षण हो, जिससे ज्यादा आकर्षण किसी आकर्षण करने वाले को कृष्ण कहते हैं। इस गुणवत्ता के आधार पर ऋषियों ने संतों ने उस ईश्वर को कृष्ण कहा है। कर्षयतीत इति कृष्णः, जिसमें कर्षण करने का गुण हो उसको कृष्ण कहते हैं। सबसे ज्यादा आकर्षण जिसमें हो, आप बताइए इस संसार में सबसे ज्यादा आकर्षण किसमें है? जिसके आकर्षण में एक बार आ जाने के बाद फिर दुनिया में कोई आकृष्ट नहीं कर सके, उस आकर्षण करने वाले का एक बार आ जाने के बाद फिर कोई आकृष्ट नहीं कर सके, वह कौन सा तत्व है? थोड़ा सा विचार करके देखिए। कभी हम पुत्र में आकृष्ट हो जाते हैं, फिर पत्नी को देखते हैं तो उसमें आकृष्ट हो जाते हैं, फिर पति को देखते हैं उसमें आकृष्ट हो जाते हैं, कभी भाई को देखते हैं उसमें आकृष्ट हो जाते हैं, किसी का धन देखते हैं उसमें आकृष्ट हो जाते हैं, बढ़िया से बढ़िया रूप देखते हैं कुछ क्षण के लिए आकृष्ट हो जाते हैं, उससे भी बढ़िया कोई रूप दिख जाता है तो फिर वहाँ आकर्षण हो जाता है। तो आकर्षण बदलता रहता है, कभी वह खींचता है कभी वह खींचता है। हम तो चौराहे पर के बंदर हो गए हैं, कोई भी हमारा नाच देखने के लिए तैयार है, किसी का नाच देखने के लिए हम तैयार है, सब मिलकर के हमको नचा रहा है, सबके सामने हम नाच रहे हैं, ये चौराहे पर के बंदर हम बन चुके हैं। संसार रूप चौराहे पर जब तक हम रहेंगे, चौराहे पर के बंदर ही बने रहेंगे, कोई हमको खींचेगा किसी को हम खींचेंगे, यही चलता रहेगा, यही चलते आ रहा है। कौन ऐसा पदार्थ है जिसके आकर्षण में एक बार आ जाने के बाद दुनिया में कोई आकर्षण नहीं कर सकता? मीरा ने एक बार उस मालिक का दर्शन किया, फिर जीवन में मीरा को कोई भी खींच नहीं पाया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, जित देखो तित श्याम मई है। कबीर ने एक बार उनको देखा, पास खड़ा और नजर न आवे, ऐसा राम हमारा है रे, है घट में घट की सब जाने, ऐसा राम नियारा है रे। एक बार तुलसी ने देखा, एक बार सूर्य ने देखा, एक बार नानक ने देखा, एक बार बुद्ध ने देखा, एक बार आचार्य शंकर ने देखा,
एक बार ध्रुव ने देखा, एक बार प्रह्लाद ने देखा, दोबारा देखना ही नहीं पड़ा। और फिर उनके चित्त को कोई खींच नहीं पाया, फिर उनको संसार का आकर्षण आकृष्ट नहीं कर पाया, ऐसा आकर्षण करने वाला जिसके आकर्षण में एक बार आ जाने के बाद फिर संसार उनको आकृष्ट नहीं कर सकता, ऐसे परम तत्व परमात्मा को ही कृष्ण कहा जाता है। इसको कृष्ण कहते हैं। रासलीला में जो नाच को देखते हैं, ये सब तो स्वांग है। मंच पर से उतरते ही, स्टेज पर से उतरते ही वे कृष्ण क्या रहते हैं वह देखने ही बनता है। उस कृष्ण का नाच देखने वाला क्या रहता है वह भी देखने ही बनता है। यह सब झूठा दृश्य है। सिंघी सेलही विभूतियो बटुआ, साई स्वांग से न्यारा हो, कहे कबीर मुक्ति जो चाहो, मानो वचन हमारा हो। परमात्मा इन सब नाटकों से बिल्कुल अलग हैं। जिनके दर्शन के बाद, जिनके आकर्षण में आने के बाद फिर हमें कोई आकृष्ट नहीं कर सके, उस परमात्मा को ही इस गुणवत्ता के आधार पर योगियों ने, संतों ने कृष्ण कहा है। अन्यथा राम में, कृष्ण में कोई अंतर नहीं। जो सब जगह रमन कर रहे हैं उसी परमात्मा में इस तरह का आकर्षण है, इसीलिए राम भी वही, कृष्ण भी वही। उन जीव का परम कल्याण हो जाता है। परम कल्याण करने वाले को ही शिव कहते हैं। शिव का अर्थ कल्याण होता है। इस तरह से परमात्मा की गुणवत्ता के आधार पर किसी संत ने उनको राम कहा, किसी ने उनको कृष्ण कहा, किसी ने उनको हरि कहा, किसी ने उनको विष्णु कहा। ये सब कहा तो भगवान अनेक हो गए, सो बात नहीं। एकं सद विप्राह बहुधा वदन्ति, वे एक हैं, ज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं, ये दो हो नहीं सकते। दो अनंत हो नहीं सकता, दो अखंड हो नहीं सकता, दो असीम हो नहीं सकता। असीम उसको कहते हैं जिसकी सीमा नहीं, अनंत उसको कहते हैं जिसका अंत नहीं, अखंड उसको कहते हैं जिसका खंडन मंडन नहीं हो सकता, जो जिसका टुकड़ा नहीं हो सकता है, जो अत्यंत सघनता के साथ सृष्टि के कण कण में परिव्याप्त हैं। एक तिल भी खाली हो तब तो टुकड़ा किया जाए, अत्यंत सघनता से फैले हुए हैं वे, अखंड हैं, अनंत हैं, असीम हैं। वे दो हो नहीं सकते, दो असीम नहीं हो सकते। तो ऐसे के विषय में जब हम सुनेंगे, ऐसे के विषय में जो दिन रात सुनाएंगे, तभी हम एक दिन ऐसा बन पाएंगे। जैसे का सुनेंगे, जिसके विषय में सुनेंगे वैसा ही बनेंगे। आप लोग यहाँ आए हैं अखंड सुख पाने के लिए, अखंड सुख का रास्ता पाने के लिए, अखंड आनंद पाने के लिए। यह एकमात्र अखंड परमात्मा से ही संभव है। इसीलिए ऐसे के ही विषय में आप लोगों को सुनाया जाता है। सुबह सृष्टि के कण कण में रमण करने वाले परमात्मा के विषय में सुनाया जाता है, और अपराह्न काल में सृष्टि के कण कण में परिव्याप्त होकर जो भक्तों के चित्त को अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं, जिनके आकर्षण में एक बार आ जाने के बाद संसार फिर उसे आकर्षण नहीं कर सकता, उस परमात्मा रूपी श्री कृष्ण के विषय में सुन। आप लोग
जैसा आप बनना चाहते हैं, जैसा आप बनने के लिए आए हैं, जो कुछ पाने के लिए आए हैं, उसी के अनुरूप यहाँ विषय रखा गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। इतना मैं नहीं सुना पाऊंगा। मूल मूल प्रसंग सार रूप में आप लोगों को सुनाया जाएगा। पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म 6 अध्यायों में लिखा हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण में मुख्य रूप से 2 ही चरित्र हैं, 2 के विषय में ही सब कुछ सुनाया गया है। नंबर 1 में भगवंत के विषय में, ईश्वर किसको कहते हैं, परमात्मा किसको कहते हैं, उस परमात्मा के भजन से क्या संभव है, क्या नहीं संभव है, परमात्मा के विषय में। नंबर 2 में जिन्होंने उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे संत के विषय में श्रीमद् भागवत महापुराण में संत और भगवंत का चरित्र है। शांति पाना चाहें तो संत बनना होगा। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संत बनने के लिए शांति की प्राप्ति, शांति प्राप्त होती है भगवंत के दर्शन से। तो यदि हम दोनों बनना चाहते हैं, दोनों तत्व को प्राप्त कर एक हो जाना चाहते हैं, तो भागवत के अंदर जो 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं, उनके रहस्यों को अत्यंत सूक्ष्मता के साथ सुनने का प्रयास करें। 6 अध्यायों में भागवत का महात्म्य लिखा गया है। पहला श्लोक महात्म का मैं आप लोगों को सुनाता हूं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जिनके विषय में हम सुने, जिनको हम पाना चाहें, जिनकी हम आराधना उपासना करें, वे हैं कैसे, यह जानने का भी प्रयास करें। नाम न जाने गांव का कहो कहां को जाऊं। जहां हम जाना चाहते हैं वहां की हुलिया जानने का जरूर प्रयास करें, नहीं तो भटक जाएंगे। जिनका हम दर्शन करना चाहते हैं, जिनको हम पाना चाहते हैं, वे स्वरूपता हैं कैसे, उसकी प्राप्ति होगी कैसे, इस विषय की जानकारी बहुत आवश्यक है। आजकल जो सुन रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, रातों रात भगवान मथुरा से ब्रज में आए, 11 वर्ष 55 दिनों तक भगवान ब्रज में लीला करते रहे, फिर वहाँ से मथुरा आ गए, मथुरा में भी बहुत दिनों तक रहे, फिर वहाँ से भगवान द्वारका चले गए, द्वारका में भी बहुत दिनों तक भगवान रहे, फिर वहाँ से प्रभास क्षेत्र चले गए, प्रभास क्षेत्र में कुछ दिनों तक भगवान रहे, फिर वहाँ से भी अपने धाम में चले गए।
जैसे आदमी एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर घूमते रहते हैं, क्या भगवान भी ऐसे ही हैं? वे तो सर्वव्यापक हैं, अनंत हैं, अखंड हैं। आज तक हम लोगों ने भगवान के विषय में ऐसा ही सुना, इतनी रानियों के साथ उन्होंने शादी की, इतने लोगों से युद्ध किए, इतने को मारे, इतने को भगाए, इतने को पैदा किए, इतने के घर गए, इतने के घर से भागे, यही सब भगवान के विषय में सुनाया जाता है। तो आज मैं आप लोगों को इसी भागवत के महात्म से सुनाना चाहता हूँ कि वे भगवान कैसे हैं, वे कृष्ण कैसे हैं, जिनकी लीला, जिनका चरित्र भागवत में सुनाया जाता है। कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप सच्चिदानंदमय है। सच्चिदानंद शब्द में तीन शब्द जुड़ा हुआ है, सत, चिद और आनंद। सत उस पदार्थ को कहते हैं जिसका कभी भी विनाश नहीं होता है, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। आजकल कथा में जो आप लोग सुनते रहते हैं, भगवान का जन्म हुआ, भगवान कुछ दिनों तक गोद में खेलते रहे, फिर घुटने के बल चलते रहे, फिर पैरों के बल चलते रहे, फिर दौड़ लगाते रहे, फिर घोड़े। भगवान के रूप में इस कदर परिवर्तन बतलाया जाता है, कभी पीताम्बर में हैं तो कभी नीलाम्बर में हैं, कभी श्वेताम्बर में हैं, कभी उनके साथ हैं, कभी इनके साथ हैं, कभी यहाँ गए, कभी वहाँ गए। यह सब तो माया का खेल है, यही भगवान का स्वरूप है, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, जो कभी बदलता नहीं, जो सदैव एक समान रहता है। मथुरा से भगवान ब्रज में गए, रातों रात चले गए, चले तो गए लेकिन देवकी के ऊपर क्या बीत रहा था? बड़ी मुश्किल से इतने दुख भोगने के बाद भगवान कृष्ण प्रकट हुए, प्रकट होने के बाद फिर चले गए। किस कदर देवकी रो रही थी, आप आजकल टीवी पर देखिए। 11-12 साल के बाद जब भगवान ब्रज से मथुरा चले गए तो किस कदर यशोदा मैया रो रही है, यह भी देखिए। अब मथुरा से जब भगवान द्वारका चले गए तो मथुरावासी किस तरह से रो रहे थे, यह भी देखिए। जब द्वारका से भगवान प्रभास क्षेत्र चले गए थे, द्वारकावासी किस तरह दुखी हो रहे, यह देखिए। अब प्रभास क्षेत्र से भगवान जब अपने स्वरूप में लीन हो गए तब प्रभास क्षेत्र के लोगों की दशा देखिए, सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? देवकी क्यों रो रही हैं? उनको लग रहा है कि भगवान अब मथुरा में नहीं है। यशोदा क्यों रो रही है मथुरा जाने पर? उनको ऐसा अनुभव हो रहा है कि श्री कृष्ण यहां से चले गए। भगवान श्री राम के अयोध्या से चले जाने के बाद दशरथ जी क्यों रो रहे हैं कि राम अयोध्या से चले गए? ये सब रो रहे हैं। जब तक भगवान के शाश्वत स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाएगा तब तक दर्शन जहाँ जहाँ जाकर इंद्रियों के माध्यम से कर लें, रोना धोना कभी खत्म नहीं होगा। भगवान के शाश्वत स्वरूप का ज्ञान जिस दिन हो जाएगा उस दिन सदा सदा के लिए रोना समाप्त हो जाएगा। भगवान
भरद्वाज मुनि के आश्रम से भी गए हैं, लेकिन भरद्वाज मुनि कभी रोए हैं? भगवान वाल्मीकि मुनि के सामने से भी गए, वाल्मीकि मुनि रोए कभी? भगवान अगस्त मुनि के सामने से भी गए, कभी रोए हैं? कभी नहीं रोए। बहुत संतों से मिलने के लिए भगवान गए, बहुत संतों से भगवान मिले, मिल करके वहाँ से निकल गए, लेकिन कोई संत रोए हैं? कोई नहीं रोए, लेकिन ये लोग रो रहे हैं। संत उनको कहते हैं जिनको भगवान के शाश्वत स्वरूप का ज्ञान हो जाता है कि भगवान न आते हैं न जाते हैं, आने जाने वाले को तो माया कहते हैं, भगवान का मायामय जो स्थूल रूप है इसमें आने जाने का चक्कर लगा रहता है, और भगवान जो तत्व रूप में उस शरीर में समाये हुए हैं वो न आते हैं न जाते हुए तो सर्वव्यापक हैं। संत भगवान के व्यापक विराट स्वरूप को प्रत्यक्ष देखते रहते हैं, 24 घंटे देखते रहते हैं। शरीर आता है जाता है, शरीर का जन्म होता है, शरीर में परिवर्तन होता है, शरीर में विनाश होता है, लेकिन शरीर में रहने वाला सदैव एक समान रहता है, उसमें कभी कोई कमी बेसी नहीं होती है। उनका ज्ञान हो जाने के बाद कभी रोना धोना होता ही नहीं, तो सब जगह देख रहे हैं। आए जाए तब तो संत के सामने भगवंत सदैव प्रत्यक्ष रहते हैं। राम आदि अंत है, मध्य राम परिपूर, लक्षण संत को लखी पर दुर्जन को अति दूर। कबीर कहते हैं पास खड़ा हमारा राम ऐसा है जो घट की सब जाने, ऐसा राम नियारा है रे। कबीर ऐसे राम की उपासना करते हैं। हम शरीर की उपासना करते हैं, संसार के लोग राम के शरीर की उपासना करते हैं, संसार के लोग कृष्ण के शरीर की उपासना करते हैं, जिसको राम ने क्षर बतलाया, कृष्ण ने क्षर बतलाया, विनाशवान बतलाया, हम विनाशवान की उपासना करते हैं। संत उस विनाशवान में जो अविनाशी समाये हुए हैं उनकी उपासना करते हैं। विनाशवान की उपासना करने वाले का रोना धोना कभी बंद नहीं होता, विनाशवान में जो अविनाशी समाये हुए हैं उनका दर्शन होने के बाद फिर कभी रोना धोना होता ही नहीं। संत कहाँ रोते हैं? कबीर साहब से काशी में कुछ नवयुवकों ने कहा, बाबा आपकी उम्र के कोई नहीं बच्चे हैं, सब चले गए, आप कब मरोगे? कबीर साहब ने कहा, हम क्यों मरेंगे? हम नहीं मरेंगे। आप नहीं मरोगे? दुनिया के कितने लोग मर गए, काशी कितने लोग चले गए, आप नहीं मरोगे? नहीं, हम नहीं मरेंगे। जो अपने को मरने वाले समझते थे वे मर गए, हम तो मरते ही नहीं। हरि मरी हैं तो मैं भी मरी हूँ, हरि ने मरे मैं काहे को मरी हूँ। हमारे भगवान मर जाएंगे तो हम भी मर जाएंगे, भगवान कभी मरते ही नहीं तो हम काहे मरेंगे? उसी भगवान के तो हम अभिन्नतम अंश हैं। तो रोना धोना समाप्त हो जाए। ऐसा ही ज्ञान भागवत के माध्यम से आप लोगों को मैं सुनाना चाहता हूँ। कहता हूँ अपनी बात ही, बहुत को मेरी बात समझ में नहीं आती है। ये तो कथा सुना रहे हैं, ये तो कीर्तन अब करने लग गए, मैं तो यह सुनाना चाहता हूँ भागवत के माध्यम से। भागवत में ही तो यह सब लिखा हुआ है। सच्चिदानंद रूपाय, वह परमात्मा रूपी श्री कृष्ण का स्वरूप क्या है? सत्य अपरिवर्तनशील। दूसरा शब्द चिद, उस अपरिवर्तनशील परमात्मा का स्वरूप कैसा? चिद,
चेद का अर्थ होता है प्रकाश, परमात्मा का स्वरूप ही प्रकाश है। प्रश्न होगा कैसा प्रकाश? सूरज के जैसा प्रकाश है कि चंद्रमा के जैसा प्रकाश है, बिजली के जैसा प्रकाश है, अग्नि के जैसा प्रकाश है? कैसा प्रकाश परमात्मा में है? उपनिषद में भी उस प्रकाश का वर्णन हुआ है, गीता में भी उस प्रकाश का वर्णन हुआ है, संत वाणी में तो उस प्रकाश का भरपूर वर्णन हुआ है। उस देश की बात मैं कहता हूँ, आसमान के बीच सुलाख है जी, बादशाह उसी में बैठा है, सूझ परे बिनु आँख है जी। सुरुख तो उसका चेहरा है, आफताब तसद्दुक लाख है जी, और पलटू वहाँ से हो आवाज आवे, उसमें मेरा दिल मुस्ताक है जी। सुरुख तो उसका चेहरा है, सुर्ख कहते हैं लाल को, लाल शब्द का प्रयोग हुआ है प्रकाश के लिए, परमात्मा प्रकाश के स्वरूप है। सुरुख तो उसका चेहरा है, भगवान का स्वरूप ही चिद है, प्रकाश है, प्रकाश के स्वरूप है। कैसा प्रकाश है? आफ्ताब, फारसी में आफ्ताब कहते हैं सूरज को। तसद्दुक कहते हैं जुगनू को। आफ्ताब तसद्दुक लाख है जी, उसके प्रकाश के सामने लाखों लाख सूरज का प्रकाश जुगनू के प्रकाश के जैसे न्योछावर होते रहते हैं। उनके प्रकाश के सामने लाखों करोड़ों सूरज का प्रकाश जुगनू के प्रकाश के बराबर भी नहीं है, ऐसा प्रकाश उसमें है। तमेव भांत मन भात सर्वंग तस्य भाषा सर्मिदं विभाति, जिसके प्रकाश से सूरज प्रकाशित हो रहे हैं। भगवान ने भी गीता में कहा तत्तेजो विद्धि मामकम, जिस प्रकाश से सूरज तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहा है, जिस प्रकाश से चंद्रमा तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहा है, जो प्रकाश तारे में दिखलाई दे रहा है, जो प्रकाश अग्नि में दिखलाई दे रहा है, अर्जुन ये प्रकाश सूरज का अपना नहीं है, मेरे से उधार लेकर के तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहा है। चंद्रमा मेरा प्रकाश ही लेकर के, मेरे से उधार लेकर के, तारे मेरे से उधार लेकर के, जो भी प्रकाश देख रहे हो ग्रहों में नक्षत्रों में, तत्ते जो विद्धि मामकम, वह मेरा ही प्रकाश है, मेरे प्रकाश से ही सब के सब प्रकाशित हो रहे हैं। परम प्रकाशमान पदार्थ को ही परमात्मा कहते हैं। ऐसे प्रकाश परमात्मा में, ऐसे प्रकाश के स्वरूप परमात्मा। तीसरा शब्द आनंद है। आप लोग एक एक शब्द पर ध्यान दें, सत चित और आनंद, तब आप कृष्ण को समझेंगे, तब आप उस आकर्षणकारी परमात्मा को समझेंगे, तब आप राम को समझेंगे। नहीं तो कथा सुनते रहे, अत्तालियां बजाते रहे, नहीं समझ पाएंगे कृष्ण को। तीसरा शब्द है आनंद। आनंद का क्या स्वरूप हो सकता है बताइए? आनंद का कोई स्वरूप होता है? आनंद का अनुभव होता है। आप मिठाई खाते हैं, आनंद आता है, आप कहते हैं बड़ा आनंद आया, लेकिन वह आनंद दिखलाई देता है? दिखलाई नहीं देता है, लेकिन अनुभव होता है बड़ा आनंद आया, लेकिन दो घंटा के बाद भूख लग गई, आनंद खत्म। पदार्थ का आनंद जो है वह क्षणिक है, क्षणिक आनंद का अनुभव पदार्थ में होता है। परमात्मा शाश्वत है, परमात्मा रूपी पदार्थ का आनंद शाश्वत होता है, उस आनंद का कभी अंत नहीं होता है, शाश्वत आनंद। ब्रह्म सूत्र में भगवान शंकराचार्य ने लिखा आनंदमयोभ्यासात्, भगवान वेद अभ्यास द्वारा रचित
यह ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र, आचार्य शंकर ने भाष्य किया है। भगवान वेद व्यास जी से पूछा गया है कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है, उन्होंने बतलाया आनंदमय, का स्वरूप ही आनंद है, बड़ा आनंद है उसमें। शिष्यों ने पूछा होगा आप पढ़कर बतला रहे हैं कि किसी से सुनकर बतला रहे हैं, नहीं नहीं पढ़कर नहीं सुनकर नहीं, अभ्यासात आनंदमय अभ्यासात, अभ्यास करके मैं कहता हूँ। अभ्यास के द्वारा जाना जाता है वह परमात्मा, वह ब्रह्म आनंद के स्वरूप है। भागवत में आप सुनिएगा, ये राजा इतने हजार वर्ष राज्य किए, ये राजा इतने लाख वर्ष राज्य किए, ये राजा इतने करोड़ वर्ष राज्य किए, ये राजा इतने अरब वर्ष राज्य किए। बुढ़ापा आया, लड़के बच्चे अपने पैर पर खड़े हो गए, राज संभालने के योग्य हो गए, पुत्र को राज सौंप कर राजसी पोशाक को उतार कर कफन की लंगोटी सिर में बांध कर जंगल चले गए। या बुढ़ापे में ये राजा लोग पागल हो जाते थे, सब जंगल चले जाते। बहुत सारे राजाओं का चरित्र सुनेंगे, ये राजा जंगल चले गए, राजा जंगल चले गए। हम पूछते हैं क्यों जंगल चले गए? राज्य में सच्चा सुख नहीं है, राज्य में सच्चा आनंद नहीं है, जंगल चले गए। राज्य में सारी व्यवस्था थी, खाने की पीने की रहने की, जहाँ सारी व्यवस्था थी वहाँ आनंद नहीं आया। और ऐसी जगह पर चले गए जहाँ संसार में सुख की कोई व्यवस्था नहीं, सारी व्यवस्था को छोड़कर, व्यवस्थित स्थान को छोड़कर और व्यवस्थित स्थान पर चले गए। न खाने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना, न पहनने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना, और व्यवस्थित स्थान। यहाँ मैं देखता हूँ बहुत सारे भक्त आए हुए हैं, बढ़िया से बढ़िया घर छोड़ कर के आए हैं, बढ़िया से बढ़िया सुविधा को छोड़ कर के आए हैं, बढ़िया से बढ़िया भोजन छोड़ कर के आए हैं, बढ़िया से बढ़िया परिवार के लोगों को छोड़ कर आए हैं। यहाँ दरी पर सोते हैं, टेंट के अंदर सोते हैं, दिन में ऐसी गर्मी पड़ती है पूरा टेंट तप जाता है, भट्टी की तरह उस टेंट के अंदर सारी सुविधाओं में रहने वाले तपते रहते हैं। फिर भी सबके चेहरे को मैं देखता हूँ, बड़े खुश हैं, सारी सुविधा जहाँ पर है वहाँ मुख पर इतनी प्रसन्नता नहीं। यहाँ सारी असुविधा के बीच सब बड़े प्रसन्न हैं, कुछ तो कारण जरूर होगा। ऐसे का चिंतन यहाँ बैठकर दिन रात कर रहे हैं, ऐसे के विषय में दिन रात यहाँ सुन रहे हैं, ऐसे का ध्यान दिन रात यहाँ लगा रहे हैं, ऐसे में मन दिन रात लगा रहे हैं, ऐसे का नाम दिन रात यहाँ जप रहे हैं, ऐसे के नाम को दिन रात आप लोग सुन रहे हैं। इसीलिए सारी असुविधाओं के बीच भी आप लोगों को आनंद का अनुभव हो रहा है। घर में ऐसा वातावरण नहीं रहता है, इसीलिए सारी सुविधाओं के बीच भी आपके जीवन में आनंद का अभाव रहता है। इसीलिए भगवान वेद व्यास जी का आनंदमय अभ्यासात, परमात्मा आनंद के स्वरूप है, उनका स्वरूप ही आनंद है, कोई व्यवस्था नहीं। फिर भी यदि उनमें मन लग जाए, उनमें वृत्ति लग जाए, ऐसा आनंद का स्रोत फूटता है। भागवत में पढ़िए, रामायण में पढ़िए और पुराणों में पढ़िए, राक्षस भी 3,000 वर्ष बैठ करके
ध्यान लगाए रहे। जानवर भी ध्यान में मन को लगा करके आनंद का अनुभव किए हैं। बड़े बड़े बंदरों का चरित्र है धर्म ग्रंथों में, बड़भागी अंगद हनुमाना, पशु शरीर में थे, कितना आनंद है। जो आनंद पशु के शरीर में उस मालिक के चिंतन से प्राप्त हुआ, वह आनंद बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट को प्राप्त नहीं हुआ। कितना आनंद है, अनुभव गम्य भजहि जहि संता। आनंद अनुभव का विषय है। अव्यवस्थित जगह पर चले गए, फिर भी मन उसमें लग गया तो आनंद में कोई कमी नहीं। इसीलिए कहा गया परमात्मा आनंद के स्वरूप। सच्चिदानंद रूपाय, ऐसे भगवान है, उनका स्वरूप सत्य है, अपरिवर्तनशील है, परम प्रकाशमय है, आनंदमय है। ताकत कितनी है परमात्मा में, ताकत कितनी है? विश्वोत्पत्त्याद हेतव, यही ब्रह्मसूत्र में है, जन्माद्य से यतः, ऐसी का भाव भागवत के महात्म्य है। विश्वोत्पत्त्याद हेतवे, संकल्प मात्र से संसार का सर्जन पालन संहार होता रहता है। जयपुर नरेश ने संत दादू दयाल जी महाराज से पूछा था, महाराज आप बताओ, परमात्मा ने पहले दिन बनाया कि रात, सुबह बनाया कि शाम, बीज बनाया कि वृक्ष, स्त्री बनाया कि पुरुष? दादू दयाल जी महाराज ने कहा, एक के बाद जो दूसरी चीज बनाता वह तो कमजोर आदमी है जी, जो एक ही बार में सब कुछ बना दिया उसी को परमात्मा कहते हैं। एक शब्द सब कुछ किया ऐसा समरत सोय, आगे पीछे तो करे जे बल ही ना हो। एक शब्द में एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं, इतने सही सब कुछ एक ही बार में हो गया। सुबह शाम दिन रात स्त्री पुरुष बीज वृक्ष सब एक ही बार में बनाए। ब्रह्मा जी तो अलग 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 बनाए, इसके बाद वो उसके बाद वो, परमात्मा ने तो एक ही बार संकल्प मात्र से सब कुछ बना दिया, इतना सामर्थ्य है। ऐसे परमात्मा की आराधना उपासना करने से क्या होता है? ऐसे परमात्मा की आराधना उपासना, जिनका स्वरूप सच्चिदानंद रूपाय, जिसका सामर्थ्य विश्वोत्पत्त्याद हेतवे, ऐसे सामर्थ्यवान परमात्मा की उपासना का फल क्या? कहते तापत्रय विनाशाय, तीनों ताप का नाश हो जाता है। दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप, शरीर से जो अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जिन रोगों के कारण लोग दुखी रहते हैं, वह है दैहिक ताप। आकस्मिक घटना घट जाती है, पेड़ पर से गिर गए, आग लग गई, वज्रपात हो गया, ये सब जो दुख का कारण होता है इसको कहते हैं दैविक ताप, आकस्मिक घटना जिससे हम दुखी हो जाते हैं। और तीसरा है भौतिक ताप, प्राणी से प्राणी को जो दुख होता है, किसी जीव जंतुओं के द्वारा, किसी वायरस के द्वारा जो हमको कष्ट होता है इसको कहते हैं भौतिक ताप। तीन ही ताप होते, तीन ही दुख होते हैं, तीन तरह के ही दुख होते हैं।
इन्हीं दुखों से संसार के लोग सदैव दुखी रहते हैं। एकमात्र उस परमात्मा में ही सामर्थ्य है तीनों ताप को दर्शन करते ही भक्त देखते हैं कहाँ गायब हो गया पता नहीं। एक परमात्मा में ही तीनों तापों को खत्म कर देने का सामर्थ्य है। ऐसे परमात्मा के भजन से ही तीनों ताप खत्म होते हैं। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं जिनका स्वरूप सच्चिदानंदमय है, जिनमें सर्जन पालन करने का सामर्थ्य है, जिनके भजन से तीनों तापों का नाश हो जाता है, ऐसे जो श्री कृष्ण है, ऐसे श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत संवाद है, कहीं मैत्रेय जी विदुर जी का संवाद है, कहीं नारद युधिष्ठिर का संवाद है, कहीं प्रहलाद जी और दत्ताधव का संवाद है। बहुत संवाद है, बहुत प्रश्नोत्तर है। सुखदेव मुनि और परीक्षित का भी संवाद है, लेकिन सबसे बड़ा संवाद, जिस संवाद में सारा संवाद समाया हुआ है, वह सूत जी और शौनक जी का संवाद है। इन्होंने ही सारे संवाद को सुनाया है। सूत और शौनक का संवाद भागवत में बहुत संवाद है, बहुत प्रसंग है, बहुत भक्तों का, संतों का चरित्र है, भगवान के बहुत अवतारों का चरित्र है, लेकिन 6 अध्यायों में जो बतलाया गया है उसमें क्या सब है? उसमें पहले भगवंत के चरित्र का वर्णन हुआ है, भगवंत का दर्शन कराया गया, भगवान का स्वरूप क्या है मैंने बतलाया। उसके बाद गुरु का दर्शन कराया गया है, गुरु का महत्व बतलाया गया है, गुरु में क्या सामर्थ्य होता है, गुरु की महिमा बतलाई गई है। तीसरे नंबर में भक्ति की महिमा बतलाई गई है, और चौथे नंबर में संत की महिमा बतलाई गई है। भगवंत दर्शन, सदगुरु दर्शन, भक्ति दर्शन और संत दर्शन, 6 अध्यायों में चारों का दर्शन भक्तों को प्राप्त होता है। भगवंत का दर्शन तो आपने कथा के माध्यम से कर ही लिया, अब गुरु का दर्शन। शौनक जी महाराज कराते हैं, चिंता मणिर लोक सुखं सुरद्रुह स्वर्ग संपदाम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठं योगि दुर्लभम। यदि शिष्य के ऊपर सदगुरु प्रसन्न हो जाए, 12 उपनिषद में मंत्र आया है दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभं तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु करणाम बिना। सदगुरु की करुणा के बिना विषय का त्याग बहुत दुर्लभ है। सदगुरु की करुणा के बिना परम तत्व परमात्मा का दर्शन दुर्लभ है। सद्गुरु की करुणा के बिना सहज समाधि की प्राप्ति दुर्लभ है। करुणा हो जाए, कृपा हो जाए तो सब संभव है, सब सुलभ हो जाए। यही शौनक जी कहते हैं, चिंता मणिर लोक सुखम,
किसी को चिंता मणि पत्थर मिल जाए इससे क्या हो जाएगा? संसार का सुख मिल जाएगा, बहुत धन दौलत हो जाएगा, सुरद्रुह स्वर्ग संपदाम। किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए तो स्वर्ग का सुख मिल जाएगा। यदि किसी भाग्यवान भजनीक पुरुष को पहुंचे हुए सदगुरु का दर्शन हो जाए तो क्या मिल जाएगा? वैकुंठं योगी दुर्लभम, योगियों के लिए जो दुर्लभ अखंड सुख मोक्ष है वह प्राप्त हो जाएगा। भागवत में सदगुरु कैसी महिमा है, प्रच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठं योगी दुर्लभम। पहुंचे हुए संत सदगुरु को यदि शिष्य प्रसन्न कर ले तो जो सुख कभी कुंठित नहीं होता है वह वैकुंठ का सुख प्राप्त होता है। वैकुंठ का अर्थ होता है जो आनंद, जो सुख, जो शांति कभी कुंठित नहीं हो, बाधित नहीं हो, एक समान रहे, ऐसा अखंड सुख मोक्ष प्राप्त हो जाता है। सदगुरु का दर्शन, भक्ति का दर्शन, लेकिन अभी सारा दर्शन आपको नहीं करा दूंगा, एक दिन में सब दर्शन हो जाएगा तो पता नहीं कल आप ट्रेन पकड़ लेंगे। दर्शन कराऊंगा ताकि मजमा जमा हुआ रहे। आज भी मैंने देखा 70-80 लोग इस कोरोना काल में भी पहुंच गए। यहाँ के भक्तों को कोरोना को कौन कहे, काल यमराज का भी डर नहीं है। गुरु ही यहाँ के भक्तों को ऐसा मिला है, कोरोना को कौन कहे, काल भी उनके सामने नहीं जा सकता। कालन को अति कराल समर्थ गुरु दयाला, अत्यंत सामर्थ्यवान सदगुरु जो हैं ये काल के ही महाकाल हैं, उनके सामने काल यमराज जा नहीं सकता। ऐसे शिखर पर पहुंचे हुए सदगुरु के जो शिष्य हैं उनको कोरोना क्या डर है? यहाँ तो झुंड के झुंड हमारे भक्त उतर रहे हैं, पता नहीं पंडाल में जगह भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यहाँ के बड़े बड़े महापुरुष सुना रहे थे, अरे महाराज इतना बड़ा पंडाल बनाया है, चलो बना दिया कोई बात नहीं, आदमी नहीं आएंगे, कम से कम गंगा जी को सुना देना।